हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में ना एक समर हॉल शेयर कर रही हूँ, जो कि होगा फैशन हॉल और सारे ही प्रोडक्ट्स अमेजोन के होंगे। तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम सबको ज़रूरत होती है अपने वार्डरोब में कुछ एकदम रिफ्रेशिंग चीज़ें ऐड करने की। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि एवरग्रीन होती हैं, बट कुछ चीज़ें समर्स में मस्ट नीडेड होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में एक अच्छा सा समर हॉल शेयर करते हैं, फैशनेबल, जिसके कि सारे ही जो कपड़े हैं वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए हैं। लाइक मटीरियल वाइज, लुक वाइज, फिट वाइज अमेजिंग है। सो आज मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चेक करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट पीस है इस हॉल का, उसके साथ में। सो देखो, वाइट एवरग्रीन होता है, बट समर्स में वाइट पहनने से सिर्फ हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारी आंखों को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मतलब वाइट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है समर्स में। और इसके पहले भी मैंने जो समर हॉल शेयर किया था उस पर मैंने एक वाइट ड्रेस शेयर की थी आपके साथ में, एंड वो वाइट ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड इस बार फिर से मैंने एक बहुत ही प्रिटी ट्यूनिक वाइट ड्रेस मंगवाया, बहुत ही प्रिटी वाइट ट्यूनिक ड्रेस मंगवाई है, जो कि प्रीवियस वन से थोड़ी सी शॉर्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा कूल दिखती है। इस पर्टिकुलर ड्रेस की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये प्योर कॉटन है, अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो। एंड ये देखेंगे आप तो इसमें थोड़े थोड़े ऐसे गोल्डन स्ट्रैप्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। ऑफकोर्स इसको आप एज कुर्ती पहन सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी इसे एज ड्रेस पहनने की, वो भी वाइट स्नीकर्स के साथ में, काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। एंड अगर हम स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स कुछ ऐसी हैं जिनमें यहाँ फ्रंट में आपको नेट की डिजाइनिंग मिलेंगी एंड टैसल्स लगे हुए हैं, वो बोहो वाला थीम बहुत अच्छा देता है ये वाला जो पर्टिकुलर ड्रेस है ना ये। एंड इसमें यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के बूटे टाइप लगे हुए हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर नेट है और टैसल्स है, तो कंप्लीट जो बोहो थीम है ना वो इस पर्टिकुलर ड्रेस से मिल रही है। एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है ये पहनने के बाद में, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा शॉर्ट है, तो अंदर हम शॉर्ट्स के साथ में इस ड्रेस को वेयर कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हैं, एंड कोई से भी एज हो ना आप इसको रॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं एक व्हाइट पीस दिखा रही हूँ, एंड ये मस्ट हैव है आपके वार्डरोब में, समर्स हो या विंटर्स हो। विंटर्स में ब्लेजर्स के अंदर एंड समर्स में किसी भी बॉटम के ऊपर पहनने के लिए, ये है एक बेसिक सी व्हाइट टी शर्ट। मेरे पास में ना व्हाइट टी शर्ट्स का भंडार है लिटरली, एंड हर किसी का जो फिट है वो डिफरेंट है, कोई थोड़ा लॉन्ग है, कोई थोड़ा शॉर्ट है, कोई क्रॉप है, कोई लूज है, कोई किसी की स्लीव्स कुछ अलग है। एंड अगेन इस बार भी मैंने ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट व्हाइट टी शर्ट मंगवाया है। ऑफकोर्स आप लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट पहनने में इसका जो फिट है ना उसमें इसका डिफरेंस, मतलब फिट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसको मंगवाया है स्कर्ट्स वगैरह के साथ में पहनने के लिए, तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। मेरे पास बहुत सारी वाइट टी शर्ट है एज आई टोल्ड यू, तो मुझे क्वालिटी का समझ में आ रहा है कि उन टी शर्ट से बेहतर है ये। मतलब वो कुछ टी शर्ट्स होती है ना कि वॉश होने के बाद में एकदम फैल सी जाती है, वैसा नहीं है ये, बहुत ही अच्छा मटीरियल है। मैंने लार्ज साइज मंगवाया है इसमें, एंड इसको मैं वेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर फ्लोरल स्कर्ट के साथ में। देखो जैसे वाइट अच्छा लगता है ना समर्स में, वैसे येलो भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये ना येलो फ्लोरल प्लीटेड स्कर्ट मंगवाई है अपने लिए समर्स में फ्लॉन्ट करने के लिए। एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको लास्टिक, लेकिन अगर आप बैक में देखेंगे तो आपको मिलेगा लास्टिक। और ये पर्टिकुलर स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी, एंड बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। ये जो स्कर्ट है ना ये आपको शिफॉन के कपड़े में मिल रही है, काफ़ी फ्लोई है, एंड अंदर आपको लाइनिंग भी बहुत अच्छी वाली लाइनिंग मिल रही है, तो सी थ्रू होने का कोई चांस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे ये पर्टिकुलर स्कर्ट। फ्लोरल है, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड वाइट टॉप के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये दोनों ही मंगवा लिया। नेक्स्ट अगेन मैं आपके साथ में एक वन पीस शेयर कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है, बट स्टिल ये बहुत सुंदर है। एक्चुअली इसके जो वेस्ट, अपर वेस्ट में ना एक बेल्ट टाइप दिया हुआ, इलास्टिक का बेल्ट टाइप है, जिसकी वजह से ना बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम दिखती है। मैंने इसको जब वेयर किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी पतली लग रही हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का प्रिंट है इस पर्टिकुलर ड्रेस की, फ्रंट में बटन्स हैं, लेकिन आप इससे मतलब फीडिंग मदर्स के लिए इससे आप फीड नहीं करा सकते, मैं फीडिंग मदर हूँ इसलिए हर चीज़ में ये चीज़ देखती हूँ। सो बटन्स जो है वो ओपन नहीं होंगी, बटन्स जो है वो स्टिच्ड हैं, क्लोज हैं, और इस पर्टिकुलर ड्रेस की जो साइज़ है वो नीज से थोड़ी ऊपर है। अगेन आपको इसके अंदर शॉर्ट्स पहनना होगा और आप बहुत अच्छे लगेंगे समर्स में। इसके जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे उठी उठी सी आती है, तो काफ़ी कूल दिखती है। सो ये है नेक्स्ट
पीस फैशन हॉल दिखा रही हूँ मैं, और क्वाड सेट इंक्लूड ना करूं ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अभी क्वाड सेट बहुत ज्यादा फैशन में है। तो ये जो क्वाड सेट है ना, ये मैंने समर अप्रोप्रिएट मंगवाया एंड काफी डिसेंट है, लाइक थोड़ा कुर्ता और पैंट टाइप का पैटर्न है। कलर अगर आप देखेंगे तो ये लाइलैक कलर में है एंड प्योर कॉटन का है ये जो पर्टिकुलर क्वाड सेट है ये। एंड ये है इसका पैंट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड इसको अगर ब्लैक मेटल जंकी ज्वेलरीज के साथ में स्टाइल करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मुझे अच्छा लगा ये। थोड़ा पेपलम टॉप है, तो अगर आपका टमी वगैरह है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल तो लगेगा ही एंड काफ़ी फैशनेबल भी लगेगा आपके ऊपर ये। सो ये मैंने एक क्वाड सेट मंगवाया है, बहुत ही सुंदर कंफर्टेबल मटेरियल, प्योर कॉटन, स्वेट को अब्सॉर्ब करने वाला, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, कुछ ऐसा है। एंड लास्टली मैं आपके साथ में एक पार्टी ड्रेस शेयर कर रही हूँ समर्स के लिए। सो ये एक मैंने ना ग्रीन कलर की पार्टी ड्रेस मंगाई, मेरे पास पहले भी इस तरीके की पार्टी ड्रेस थी ग्रीन कलर की। सो एक और मंगवा ली मैंने। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि मुझे ना ऑफ शोल्डर ड्रेसेस कितनी ज़्यादा पसंद है, तो अगेन ये मैंने एक बहुत ही प्रिटी सा ऑफ शोल्डर पार्टी ड्रेस मंगवाया है, जो कि पहनने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड फिट वगैरह भी अच्छी है। इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अगर क्लोजली देखेंगे तो कॉटन नहीं है, ये कुछ अलग सा मटेरियल है, बट लुक इसका बहुत सुंदर है। जो इसका फिट आ रहा है ऑफ शोल्डर का, बिकॉज हर ड्रेस का ऑफ शोल्डर का फिट ना अच्छा नहीं आ पाता, बट इसका फिट जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आ रहा था एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो ये है लास्ट पीस। तो इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई अमेजोन से एंड आई होप ये हॉल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अब मेरे फेस पर नेचुरल लाइट कुछ ज़्यादा आने लग गई है और हॉल भी कंप्लीट हो गया है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।